सो है व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का BGMI के एक और नए गेम प्ले के टुवर्ड्स अंदर। तो गाइस आज का ना मतलब गेम प्ले नहीं भाई, तबाही होने वाला है यार। आप लोग ओके बस देखो और मतलब हेड इन्जॉय टुवर्ड करो दिस यार। पॉइंट तो ओके देखो सबसे पहले तो हम लोग मार्क द यहाँ पे लैंड लोकेशन करते हैं, मतलब ओके उतरते हैं यहाँ पे एक निम्बस आइलैंड के ऊपर। तो चलो सबसे पहले उतरते ही, अब आज की लैंडिंग मेरे टीममेट ने कराई थी जो कि एक रेंडम टीममेट था। तो यहाँ पे जैसे टीपी मिली और भाई तुरंत अब इसको भी भाई टीममेट है वैसे तो, और मतलब टीममेट भी चुरा लिया तो कोई बात नहीं, चलो अपना ही टीममेट है, चलता है इतना। तो अब भाई वहाँ पर मैंने फिनिशिंग मगर मतलब फाइट वाइट ले गई और मैं यहाँ पे अंदर आ गया। और भाई ये बंदा भाई मतलब सामने देखो यार कौन खड़ा है तुम्हारे सामने, एक मतलब यूट्यूबर खड़ा है मतलब जो गेम प्ले रिकॉर्ड करने आया है। तुम ऐसे घुस जाओगे भाई, ये वाला जो मैंने 1v2 करा है मतलब 1v3 हो गया टोटल, तो आप लोगों को ये वाला 1v3 कैसा लगा। मतलब 1 HP पे भाई देख रहे हो क्या ही OP खेला हूँ भाई मैं इस गेम प्ले के अंदर। एक बार को तो मुझे लगा कोई डायनमो वायनमो तो नहीं खेल रहा मेरी जगह। तो देखो इन सबको मारने के बाद भाई मेरे किल कन्फर्म हो चुके थे, तो मैं करता हूँ हील वील। अब हील करने के बाद निकल पड़ते हैं आगे। अब जैसे मैं यहाँ पे आया तो मेरा टीम जो टीममेट था वो बताता है कि सामने एक बंदा है। तो चलो भाई ये करा नॉक और भाई तुरंत फिनिश। अब पहले तो मुझे लगा कि इसका कोई टीममेट होगा, पर कोई भी टीममेट नहीं था। तो हम आ जाते फिर नीचे, क्योंकि भाई ये जो आइलैंड है ज़्यादा देर तक टिकता भी नहीं है। अब भाई जैसे नीचे आया तो सबसे पहले मैंने बग्गी उठाई और मैं चल पड़ा अपने टीममेट की तरफ। तो जब मैं वहाँ पे जा रहा था भाई गन फाइट के साउंड आए, तो मैं यहाँ पे रुका। या भाई मैं बंदों को देख रहा हूँ कि हैं कहाँ, और भाई तभी मुझे सामने बंदा स्पॉट हुआ। पर भाई मतलब अच्छे से दिख नहीं रहा था ना, एंगल नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पे आ गया इन वाले घरों पे। अब यहाँ से देखना भाई, भाई क्या ही मस्त एंगल है यार। इस बंदे को नॉक करा और ये फिनिश, मतलब भाई किल नहीं चोरी होने देंगे। अब ये यहाँ पे शायद दो टीम थी तभी ये टीपी भी लेके खेल रहा था यहाँ पे, तो इसको तो मैंने फिनिश कर दिया। पर जब उसके लिए एंगल नहीं मिला तो भाई मैं यहाँ आया और भाई इस बंदे को क्या ही हिप फायर दे के मारा। तो अब भाई इसको मारने बाद थोड़ी बहुत लूट तो करनी बनती है, तो लूट करते करते मुझे सामने ये बोर्ड दिखाई दिया। तो भाई KD को थोड़े ना छोड़ेंगे हम, भले ही गेम प्ले कैसा भी हो अपना, पर हाँ KD नहीं जाने देंगे। तो उनको मारने बाद मैं अपनी बग्गी की तरफ जा रहा था, जैसे यहाँ पे आया तो मुझे बंदे के फायर के साउंड आए, मैं सीधा अंदर घुसा। पर भाई ये एक बोर्ड था, तो भाई इसके लिए हम पिस्टल का यूज़ करेंगे। तो चलो भाई इसको पिस्टल से मारते हैं और ये हो गया फिनिश। अब भाई सामने से भाई बहुत ज़्यादा गन फाइट सा मतलब साउंड आ रहे हैं, तो इतना तो है कि एक से दो बंदे तो हैं। तो चलो पहले हील वील करते हैं। ओके तो चलो अब ड्रिंक भी मार लेता हूँ एक, क्योंकि भाई वहाँ पर अगर बग्गी से उतार लिया ना तो शायद मैं नहीं बचूँगा फिर। तो चलो अब हील हो चुकी है, और भाई इतने में मेरे टीममेट को भी किसी ने निपटा दिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये रेंडम था तो मुझे इतनी कोई दिक्कत नहीं थी, तो मैंने बग्गी उठाई और भाई सीधा इस वाली पहाड़ी के ऊपर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद मैंने बग्गी को थोड़ा दूर ही रुका दिया, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि उन बंदों को पता चले कि मैं आ गया हूँ और फिर मैं लॉबी भी चला जाऊँ इतनी जल्दी। तो मैं जैसे यहाँ पर आ गया है भाई, ये बंदा ओपन में जा रहा था यार। अब बताओ DP के सामने ओपन में जाके तुम क्या उखाड़ लोगे भाई। तो इसको तुरंत नोक दिया और इसको पनिशमेंट दी कि भाई तुम ओपन में गए क्यों। अब भाई DP को करते हैं रीलोड और देखते हैं इसके दूसरे टीममेट को, और तभी भाई इसका दूसरा टीममेट तो डैमेज था खुद ही, तो वो हील करते हुए आ रहा था धीरे धीरे, तो उसको ईजिली पेल दिया। अब भाई थोड़ी बहुत लूट तो यहाँ पर भी बनती है, मारा जो है इनको। अब बग्गी उठाने के बाद भाई देखो हमारे 11 किल हो चुके हैं, KD तो मेंटेन हो चुकी है। अब बस चिकन के लिए मतलब थोड़ा सर्वाइव भी तो करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं हम लोग ऊपर गेम खेलने के लिए, यहाँ पर फ्री फोकट के किल भी मिल जाते हैं और मतलब समझ रहे हो ना। तो चलो और आज हमको मिली है मिसाइल। ओके तो आज मिसाइल को हाथ में लेके घूमते हैं और ये दे मारा भाई, देख रहे हो क्या ही प्रॉपर निशाना लगा। अब बस ये बंदा नीचे ना भाग जाए भाई, अबे रुकना कहाँ जा रहा है, पीछा नहीं छोड़ेंगे हम। अबे रुक जा,
भाई कहाँ तक भागोगे भाई? भाई हम हीरो हो चुके हैं भाई अब तो इस गेम के अंदर। फिर रुकना है एक जगह पे, रुक जा। देख रहे हो भाई ये नीचे भागने की ताक में था, पर तुम्हारा भाई नहीं छोड़ता यार आजकल किसी को भी। ओके अब देखो भाई यहाँ पर और भी बंदे आए हैं और हमको चाहिए कॉइन, तो चलो पहले इन बंदों को निपटाते हैं। ये कॉइन तो देखो हमारे पास ठीक ठाक हो चुके हैं। तो ये हमारी मिसाइल और भाई ये कूद पड़े हैं बीच में, तो पहले इसको लेते हैं क्योंकि डैमेज है। चलो ये किल तो मैं आ गया। अब भाई ये जब तक इससे लड़ने में बिजी है ना, इसका किल भी उठा लेते हैं। भाई इसका किल भी उठा लिया है, तो चलो फिर इस कैरेक्टर से बातें करते हैं और इससे भी थोड़े बहुत कॉइन ले लेते हैं। और भाई जैसे ही मैं यहाँ पे आया तो देखो भाई ये बंदा मतलब अलग ही नशे में था। शायद इसका जो इंटरनेट है वो हल्का था, काफ़ी ज़्यादा था नहीं शायद। देख रहे हो कैसे फ्लैक्चुएट हो रहा है भाई। इसको मारने में तो मेरे को मतलब ज़रा सा भी जोर नहीं आया यार। देख रहे हो कितनी आसानी से किल दे दिया मेरे को। इसको पता था भाई ये वैसे भी नहीं बचेगा तुम्हारे भाई से, तो इसने सोचा कि चलो इसको ऐसे ही किल दे देते हैं। तो चलो अब हम आ चुके हैं नीचे, तो सबसे पहले उठाते हैं ये बाइक और निकल पड़ते हैं गाड़ी की तलाश में। अब भाई मैं गाड़ी उठाता हूँ और मतलब हाँ रास्ते में मैंने ज़्यादा कुछ मंगवाया भी नहीं, बस हेलमेट वेस्ट मंगवाए थे उन कॉइन से। तो मैं आ जाता हूँ इस वाले क्या बोलते हैं वेयर हाउस, हाँ तो इस वेयर हाउस के अंदर आ जाता हूँ मैं। अब भाई ये भाई यहाँ की किल देखना तुम, मतलब भाई रिज ग्लिच होते हुए तुम्हारे क्या ही डीपी का स्प्रे मारा और किल चुरा लिया। अब भाई उन बंदों को तो गोलियां लग नहीं रही क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही रिज ग्लिच है, लेकिन कोई बात नहीं। अब भाई इस बंदे को देखना अलग नशे में ये नीचे आया। अब मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ा एंगल लेने के लिए। भाई वो बंदा अपने टीममेट को कंधे पर मार रहा है भाई, नीचे रिवाइव करता है यार। तो भाई फ्री फोकट का किल है तो छोड़ना तो नहीं मैं। देखो भाई यहाँ पे जैसे डीपी रोलोड है ईजी किल यार, एकदम ईजी किल। अब उसके बाद डीपी को करा रीलोड। और भाई तुम लोग मतलब कमेंट करके मुझे इस हेडशॉट के बारे में ज़रूर बताना आप लोगों को कैसा लगा यार, मतलब समझ रहे हो ना हेडशॉट मास्टर बोलते हैं यार तुम्हारे भाई को। अब यहाँ पर एमओ मंगवाने के बाद मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ट्रिपल स्टोरी में, क्योंकि भाई पूरे जोन के अंदर ना सिर्फ यही ट्रिपल स्टोरी शायद जोन के अंदर थी। तो यहाँ पर रुक के मैं बंदों को स्पॉट करता हूँ, क्योंकि भाई अब वही है कि अगर आपके पास कवर है लास्ट जोन के अंदर तो आपका चिकन है, और अगर कवर नहीं है तो शायद है शायद नहीं भी, कुछ कह नहीं सकते। जैसे यहाँ पे आया भाई सामने बंदा स्पॉट हुआ, तो चलो भाई शुरू। और भाई नॉक, अब भाई नॉक करा तो तुरंत फिनिश करेंगे क्योंकि ओपन में हमारा किल चोरी होने के चांसेस हैं बहुत ज़्यादा। तो इसको कर दिया फिनिश, करते हैं डीपी को रीलोड। अब भाई देखो सामने स्मोक हुआ तो मतलब बंदा तो और है यहाँ पे, लेकिन यार वो दिख ही नहीं रहा। तो चलो भाई हमको वेस्ट नहीं करना, चाहते हैं जोन, क्योंकि जोन चुका है कट। तो जैसे मैं जोन के अंदर जा रहा था भाई सामने हिल के ऊपर मुझे बंदा दिखाई दिया, तब मैं सीधा तो देखो जान नहीं सकता क्योंकि वो मेरे को बग्गी से मतलब यूएजेड से उतार लेगा इजीली। तो सबसे पहले यहाँ पे रुकते हैं, डीपी को लेते हाथ में। यहाँ पे भी इसका ग्लिच था नहीं क्या था, इसको मतलब बॉडी शॉट में लग नहीं रहे, लेकिन फिर भी भाई लो भी जाओ यार तुम लोग। आज देखो गेम के अंदर कौन आया है, मतलब नाम देख के डर जाया करो यार, एग्जिट मार दिया करो। अभी देखो तुम्हारे भाई के भाई 20 किल हो चुके हैं भाई। अगर अभी तक लाइक नहीं करा तो लाइक कर दो यार इस वीडियो को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। हमारे 3K होने वाले हैं बस बहुत ही जल्द, हो जाएंगे 2 से 3 दिन में अगर आप लोग सपोर्ट दिखाओगे तो। अब भाई यहाँ के ना तुम लोग किल देखना, मतलब काफ़ी देर लगती है मेरे को, लगभग 6 से 7 मिनट तक मैं इसी हिल पे रहता हूँ जब तक मेरे ऊपर जोन रहता है। और भाई इन बंदों से मतलब कोई भी फाइट नहीं लेना चाहता मुझसे। अब देखो ये आपस में ग्रेनेड कर रहे हैं, एक फूटा
ऐसे ही वो ओपन किया, मैंने सोचा कि उड़ा लेते भैया, पर नहीं, वो बंदा पूरा कवर में चला गया। बोला भैया तुझको किल नहीं दूंगा चाहे जो हो जाए। अब चलो भैया ये किल तो मिलने से रहा, तो करते हैं अपने डीपी को रीलोड और बजाते हैं इनको। अब मैं सोच रहा था भाई इस पे एंगल मिल जाए, तो एंगल तो नहीं मिला, तो लगे हाथ चलो हम भी ग्रेनेड करते हैं। इन तीन तीन ग्रेनेड का क्या अचार थोड़ी डालेंगे, बंदूकबाज भैया के फ़ैन हैं हम भी। चलो गया ग्रेनेड तो। अब भाई छोड़ते यार तुम लोग, कत्ते ही मतलब ओपी लेवल यार। और अभी तो रुको रुको जरा, भाई मतलब ये वाला कवर फायर देखा आप लोगों ने, क्या ही था ये। इस मैच को खेलने के बाद में भाई सही बताओ क्या ही था। तो देखो मैं दोबारा बोल देता हूँ, इस वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, और हमारे 3K करवा दो यार सब्सक्राइबर, क्या कर रहे हो। तो हाँ अगर अगर पहले से हो मतलब सब्सक्राइब, तो और हाँ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सपोर्ट कर लूँगा यार, मगर फिर भी तुम लोग मुझे सपोर्ट दिखाते रहो। टाटा बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।